नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे डिम्स कुकिंग चैनल पर। आज मैं आपको आसान तरीके से पाव भाजी बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें सबसे पहले आलू चाहिए, जो 4 से 5 मैंने काट के पहले से ही टुकड़ों में रखे हुए हैं, और इसमें पानी डाला हुआ है ताकि ये काले ना पड़े। साथ ही में हमें एक बाउल मटर लेने हैं, गाजर लेनी है और एक छोटी कटोरी बीन्स लेनी है। मसाले के लिए हमें 2 से 3 प्याज चाहिए कटे हुए, टमाटर चाहिए और बटर और नींबू चाहिए। सूखे मसालों में चाहिए नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, कटी हुई हरी मिर्च। साथ ही में हमें पाव भाजी मसाला चाहिए। हमने कुकर में पानी डाल लिया है और इसमें हमने सारी सब्जियों को डाल देना है। ध्यान रहे कि हमने पानी उतना ही डालना है जिसमें सारी सब्जियाँ डूब जाएँ। अब हम सब्जियों में नमक, मिर्च, हल्दी डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 सीटी आने देंगे। अब हम कुकर को खोलेंगे और देखेंगे कि सब्जियां गल गई हैं। हमने सारी सब्जियों को अच्छे से छान लेना है और इसके पानी को अलग कर देना है। अब हम कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम बटर डालेंगे। जैसे ही बटर गर्म होगा हमने इसके अंदर जीरा डालना है और थोड़ी देर बाद ही हमने इसमें कटे हुए प्याज डालने हैं। प्याजों को भी हमने इसमें अच्छे से भूनना है और लाल होने तक पकाना है। प्याज अच्छे से भुन गए हैं, अब हम इसमें हरी मिर्च और टमाटर डालेंगे और उसको भी अच्छे से पकाएंगे। टमाटर अच्छे से गल गए हैं, हम इसमें लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला अच्छे से भुन गया है, अब हम एक कटोरी में थोड़ी सी हींग डालेंगे और पानी डालेंगे और इसका अच्छे से घोल तैयार करेंगे। इस घोल को हमने मसाले में डालना है। ऐसा करने से सब्जी में हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी लगती है। हम इसमें 2 चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसमें 1/2 कप उबली हुई सब्जियों वाला पानी डालना है जो पहले से ही छाना हुआ था। ऐसा करने से मसाला कढ़ाई के साथ चिपकेगा नहीं। अब हम मसाले में उबली हुई सब्जियां डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और धीरे धीरे करके हम इसको मैशर से मैश भी करेंगे। आप देखेंगे कि सारी सब्जी अच्छे से मिक्स हो गई हैं और मैश हो गई हैं। अब जो बचा हुआ उबली हुई सब्जियों का पानी है वो भी हमने इसमें डाल देना है। पानी डालने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए सीम आंच पर पकाएंगे। हमारी भाजी बनकर तैयार हो जाएगी। तवे को हमने गर्म कर लिया है, अब हम इसके ऊपर बटर फैलाएंगे। मैंने पाव को 4 पीसों में काट लिया है, आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से काटा है। हमने इसको दोनों तरफ से हल्के ब्राउन होने तक सेकना है। पाव भाजी बनकर बिल्कुल तैयार है। हम अब इसमें हरी मिर्च, प्याज, नींबू और बटर डालेंगे, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।